हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में मसालेदार भुना चिकन बनाने की रेसिपी। इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस चिकन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन लिया है। इसमें मैं 1 बड़े चम्मच देगी मिर्च का पाउडर, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच भुना कुटावा जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है मैंने। इसके साथ ही मैं इसमें 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे नींबू का रस और यहाँ पर मैं आधे कप से भी कम अराउंड 2 बड़े चम्मच है दही, वो डाल रही हूँ अभी। यहाँ पे अगर आपके पास में दही नहीं है तो आप 1 पूरा नींबू डाल लीजिएगा, और अगर नींबू नहीं है तो पूरा दही डाल लीजिएगा। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और 20 मिनट के लिए साइड पे रखना है। इन सूखे मसाले में मैंने 4 पीस लाल सूखी हुई मिर्च ली हुई है, 3 पीस हरी इलायची ली है, कुछ 4-5 लौंग है, 1 छोटे चम्मच सौंफ, 1 छोटे चम्मच साबुत जीरा है और 10 पीस मैंने काली मिर्च ली है। बस यहाँ पे ये जो लाल मिर्चें हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा दबा कर आप इसको हल्का रोस्ट कर लीजिए। कुछ सेकंड हमें इसे भून लेना है जिससे इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है और ये क्रिस्पी हो जाते हैं। इस मसाले को साइड पे कर लेते हैं और वापस से उसी कढ़ाई में हमें सरसों का तेल गर्म करना है। तो सरसों के तेल को थोड़ा गर्म होने में टाइम लग जाता है। अच्छे से जब ये गर्म हो जाए तो इसमें आप प्याज डालिए। प्याज मैंने 2 पीस ली हुई थी जिसको मैंने बारीक काटा है। तो लगातार फ्लेम हाई रखें और प्याज को बस इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। पहले ये कैरमलाइज होगा, फिर ये हल्का पिंक होने लगेगा। उसी टाइम पे आप इसमें 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटे चम्मच ही देगी मिर्च पाउडर डालिएगा। यहाँ पे इस मसाले को अच्छे से प्याज के साथ में भून लेना है। इस मसाले को जब तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाए और पूरा पूरा तेल सरफेस पे नज़र नहीं आने लगे। तो अब देखिए पहले से मसाला अब कितना चेंज हो चुका है, ये अच्छा भुन चुका है। फ्लेम मैंने मीडियम कर भी इसको भून लिया है। और जब ये इस तरह का मसाला भुन जाता है तो हमें यहाँ पे टमाटो पल्प ऐड करना है। तो यहाँ पे आप टमाटर को ग्रेट करके डालें यानी कद्दूकस करके डालें। तो 3 टमाटर मैंने लिया है और साथ में अब टमाटर डालकर मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल रही हूँ। और अब टमाटर के साथ में ये मसाला बिल्कुल अच्छे से भुनेगा। तो यहाँ पे मॉइस्चर के लिए हमने ये पेस्ट डाली है, एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। लगातार मसालों को टमाटर के साथ में ही भून लीजिए जिससे सारी चीज़ें सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन जाएं। और जैसे जैसे मसाला भुनता जाएगा इसका कलर बहुत अच्छा होता जाएगा, तेल पूरा पूरा सरफेस पे नज़र आने लगेगा। तो आप इसमें 1 अकड़ और मसाले ऐड कीजिएगा। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें कुछ साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो मिर्चों को बीच से स्लिट भी लगा सकते हैं, मैंने काटा नहीं है। ये हरी मिर्च डालकर भी मसाला हमारा अच्छा भुन चुका है। तो अब इसी टाइम पे हमें वो सारे सूखे हुए मसाले ऐड करने हैं जो कि हमने रोस्ट करके रखा था। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसी पॉइंट पे आपने डाल देना है जिससे ये और भी अच्छा मसालों में फ्लेवर दे दे। तो अब लगातार कुछ 2-3 मिनट तक और मैंने इसे फ्राई कर लिया है और अब मैं यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करूँगी। तो ये सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। इसके ऊपर हमें 1/4 चम्मच कलौंजी डालनी है यानी कि अनियन सीड्स, इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। इसका भी अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, आप एक बार डालकर देखें, आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और अब जैसे हमने चिकन डाला है इसके जूसेस रिलीज होंगे, तो फ्लेम हाई रखें और हाई फ्लेम पे मसालों के साथ में चिकन को अच्छे से मिला दीजिए। इससे ये बहुत अच्छा भुनता जाएगा। ऑलरेडी ये मैरिनेट हो चुका है तो इसके अंदर काफ़ी फ्लेवर्स है। बस मसालों के साथ में हमें इसे 5-6 मिनट तक भून लेना है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा आपको ड्राई दिखने लगेगा, ये मसाले बिल्कुल ड्राई होने लगेंगे क्योंकि ये कोट हो चुका होगा। तो आप इसमें 2 कप पानी डालिए और पानी डालकर लिड से कवर कर अराउंड 6-7 मिनट इसको कुक कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पे 6-7 मिनट तक कुक होने के बाद में ये बहुत ही अच्छा टेंडर और सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबूएं आने लगती हैं। तो बस इस तरह से आप साबुत मसालों के साथ में ये जो चिकन है आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये लिड हटाकर मैंने चेक किया है, एक बार चला दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसमें 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी ऊपर से क्रश कर डालनी है। इससे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और लास्ट में ज़रूर डालिएगा ये दोनों चीज़ों को और फिर वापस से इसे अच्छे से मिला दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी हल्की हल्की गाढ़ी होने लगी है क्योंकि चिकन बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको 2-3 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी जिससे सारे फ्लेवर्स सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छे से मिल जाएँ। और क्योंकि मैं यहाँ पे मसालेदार भुना चिकन बना रही हूँ तो मैं इसको भून लूँगी, ड्राई कर लूँगी जिससे यहाँ पे बिल्कुल मसाला कोट हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की ग्रेवी रखनी है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं जो कि रोटी चपाती या राइस में जाएगी, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको इसको और ड्राई करना है तो फ्लेम हाई कर एंड में बस इसको और भून लीजिए, थोड़ा कस कर भून लीजिए जिससे मसाला अच्छा सूख जाए। तो बहुत ही लाजवाब ये कमाल की डिश बनकर तैयार होती है, बहुत ही आसान है, बिगनर्स तो इसे बिल्कुल बना सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आप बस इकट्ठा कर लीजिए और बस ये सिंपल आसान क्विक रेसिपी बना लीजिए।
तो बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस लगती है ये, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। जितनी ये दिखने में ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, उससे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रोटी चपाती या राइस के साथ में आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर राइस में खाएंगे तो थोड़ा आप इसकी ग्रेवी रखिएगा, वरना ये ऑलरेडी ड्राई हो जाता है, जो कि रोटी या पराठे के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाला है, जिससे कलर प्लस बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा ये। और ज़बरदस्त से इसकी मैं भुनाई कर चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा ड्राई हो चुका है ये, और ये मसालेदार भुना चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और मैं इसको गर्मा गर्म पराठे चपाती के साथ में सर्व करूँगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये इजी सिंपल भुना मसालेदार चिकन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान है। बस एक बार इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करें और इस रेसिपी को फटाफट बना लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं हर रोज़ एक लेटेस्ट रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग आसान रेसिपी लेकर। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।